जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह ही आपको आज बोल दिया था, आज सुबह ही आपको बोल दिया था कि 22,080 से लेके 22,100 के बीच आपको मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा निफ्टी स्पॉट में। वहाँ बाई करना ही करना है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। आज 1:11 हुई है, अभी आफ्टरनून के 1:11। तो देखो क्या निफ्टी का आज का लो देखिए, खाली 22,075। अगर मैं सुबह का वीडियो, मुझे याद है मैंने क्या बोला था, तो एक बार थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं हम लोग। 22,075 का लो आप खाली सुनिएगा बस एक बार। अब कौन कितनी बजे कितनी मिनट पे वो बोला, वो देखना पड़ेगा। मतलब वीडियो तो काफ़ी बड़ा रहता है ना सुबह का भी। देखते हैं क्या लेवल दिया था। हेलो बैंगलोर, फाइनली बोमिंगोज इज ओपन इन योर सिटी। हां, 24 में रात को दिल्ली से पैसे कमाने के बढ़िया मजा ले रहा हूं। ठीक है, चार टाइम कमाना फुल टाइम कमाना, सिस्टम पूरा फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम क्या, तेरे को पूरा ज्ञान। फ्लैट ही दिखा रहा, समझ लो 9 पॉइंट का मतलब तो फ्लैट ही हुआ। बैंक निफ्टी का तो रोल बैंक निफ्टी प्ले करेगा। वॉलेटिलिटी इस वीक में काफी रहेगी, बट टारगेट हमेशा ऊपर के रखना, नीचे के मत रखना दोस्त। अगर मुझे मानते हो तो ये वीक तेज ही रहेगा ओवरऑल, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री लेने की जरूर से। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना, हाँ, साथ में 10-20 EMA पे नजर भी रखना, कहीं कोई गलत सिग्नल मिले तो एग्जिट करने में भी देरी मत करना। ट्रेडिंग में एक चीज याद रखना, ज्ञान ज्ञान मत दे प्रमोद भाई, सबको देखिए। लेकिन मेरे मानना है कि आज तक सीखना चाहूंगा, लेकिन उपयुक्त को यूज करके देखो तो लाभ इनसे कई गुना ज्यादा। प्लीज प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का, स्पेशली 22,080 से 22,100 अगर स्पॉट ये सुनिएगा मिले 22,100 देखने का। 22 आज देखो ये सुनो, अंटिल अनलेस 10 EMA किसी का निफ्टी या निफ्टी का 20 EMA से नीचे जब तक नहीं जाता, तब तक बाई ऑन डिप्स ही रहेगा, ये याद रखिए, है ना। और बैंक निफ्टी में अगर आज आपको मौका मिले 22,100 देखने का, 22,080 से 22,100 अगर स्पॉट में दिखे तो जरूर से बाई करिएगा। ये कब बोला हूँ, सुबह कितनी बजे का होगा, 7:30-8 बनाता हूँ मैं वीडियो। 22,080 और आज का लो आपने देखा कितना, चलिए इसको तो बंद कर देते हैं। आज का लो 22,075, मैंने क्या बोला वो सुन लीजिए बस। क्या बोला था आज का, 22,075 का लो बनाया देखिए, और अभी आ गया 141 पे। अब मेरे दोस्त को मैं क्या समझाऊं, वो बार बार मुझे लिखते रहता है। अब मैं उसको क्या बोलूं, भैया बाप बाप ही होता है, तू पाकिस्तान है, मैं इंडिया हूँ, तू मेरे अंदर से निकला है, समझ में आया। तो मेरे यहाँ का एक स्टेट भी मुंह देगा तेरे ऊपर तो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। क्या समझाऊँ लोगों को। एनीवे, अब आपको दिखाता हूँ और एक चमत्कार, एक एक टाइम के साथ दिखाऊंगा। एग्जैक्ट टाइम के साथ दिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं कुछ भी गोलमाल नहीं है इधर। आज बाई ग्लेनमार्क फ्यूचर्स 9:43, ग्लेनमार्क 28 मार्च 1,000 कॉल। चले कॉल किसने लिया देख लेते, इसका भी रेट 21 रुपये में दिया, 16 का स्टॉप लॉस, नहीं 16 पे और एक लेना है क्योंकि मार्च का है, और 11 का स्टॉप लॉस, 40 से 70 का टारगेट। चलिए ग्लेनमार्क का 1,000 का कॉल अगले महीने का, ग्लेनमार्क, हाँ ये रहा 1,000 का कॉल लगा के रखा है, 27 रुपये आ गया है, 21 पे दिया था। चलिए 9:43 पे दिया था, इसका लो भी बता दो कितना है, चलिए लो भी दिखा देता हूँ। इसका लो है 17 रुपया 20 पैसा, और उस पर क्या लिखा था,
कितने पे और आने से एक और लेना है। कहा गया 16 पे नहीं आया लेकिन ठीक है, मतलब एक और लॉट हो जाती नहीं तो। पोजिशनल बाई ग्लेनमार्क 927 रुपया में, फ्यूचर को 880 का स्टॉप लॉस, 1020 विद इन 15 मार्च। ग्लेनमार्क फ्यूचर 927 वाला 936 आ गया। चलिए 40 भी गया था, 42 भी गया था। उसके बाद दिया श्रीराम फाइनेंस का 2600 का कॉल 73 में बाई करिए, मार्च का, क्योंकि अभी इस महीने का आप कॉल ले नहीं सकते हो, स्टॉक में पेनल्टी लग जाएगी आपको, फिर उसको कैरी करोगे तो। रूल पता होगा, स्टॉक स्टॉक के ऑप्शन जो भी है लास्ट वीक में आप कैरी नहीं कर सकते हो, मंथ के लास्ट वीक में, मंथ की जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी वीक होती है उसमें स्टॉक नहीं कैरी कर सकते, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन कैरी कर सकते हो, वरना आपको हर दिन पेनल्टी की साइज बढ़ती जाती है। पहले दिन 10-12% ऐसा है, या फिर आप मार्जिन उतना भरो तो उसकी मार्जिन हर दिन काफ़ी बढ़ जाती है, मार्जिन लगती है उसमें, फिर ऑप्शन में सुना कभी मार्जिन, लेकिन इसमें लगती है। 73 रुपया में बाई दिया, ये कहाँ पे, ये था नीचे होगा, 73 पे बाई दिया, 39 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। श्री राम फाइनेंस कितने का कॉल दिया था, 2600 का। श्री राम फाइनेंस 67 चला, चलो 6 रुपये नीचे है। आप लोग इसको मत खरीद लीजिएगा, ये मुझे वीक ही लग रहा है, जिसने ले लिया उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप होशियारी में मत घुसिएगा, ठीक है। रिस्की ट्रेडर्स वीक मतलब है स्ट्रॉन्ग ही, लेकिन आज वीक हो सकता है। रिस्की ट्रेडर्स बाई अदानी फ्यूचर्स, पोर्ट का फ्यूचर्स 1333, वेरी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1300 का, 1380 प्लस विद इन 29 फरवरी, मतलब 29 फरवरी तक इसका टारगेट 1380 आना चाहिए। 1333 पे बाई करवाया, 1300 का स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं अदानी कहाँ भाई, अदानी पोर्ट लगाया तो था यार, अरे क्या क्या आ जाता है। चलो मैं यहाँ पे अदानी पोर्ट का फ्यूचर लगा के दिखा देता हूँ आपको, अदानी कितना देखूँ तो मैं, एक इंसान कितने लोगों का क्या क्या है। अभी 1338 चल रहा है, 39, 4-5 रुपये ऊपर आ गया, इसकी लॉट कितने की, 800 की ऐसे। चलिए उसके बाद क्या लिखाऊं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, 22200 का कॉल 114 में, स्टॉप लॉस टारगेट 29 फरवरी वाला स्टॉप लॉस 40, टारगेट 250 से 400। 22200 का कॉल, चलिए देखते हैं 22200 का कॉल कहाँ पे है, ये रहा 114 वाला, अभी 121, ये बीच में काफ़ी नीचे भी गया था, 90 तक गया था मेरे देने के बाद, अभी 122 आया क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 12:04, इसको टाइम को नोट करेगा, टुडे बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल क्लोज इन ग्रीन। मेरे जितने सब्सक्राइबर पर्सनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको देखे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, तो 12:04 पर लिख दिया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल क्लोज इन ग्रीन, और 12:04 के आपको भाव दिखाता हूं मैं, क्या भाव थे निफ्टी का, क्या था और अभी क्या है। यहां पे 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूं, 1 day 5 minutes, ठीक है। अब 12:04 ये 12:04 11:55, ये है 12:04 का भाव, क्या था लो, 22098 का लो था, 22098। उसके बाद थोड़ा सा लो मारा 22075 का, लेकिन 22098 वाली चीज़ अब कहाँ पे आ गई, 152 पे आ गई। तो बड़ा ना कॉन्फिडेंस यही है, इस जगह बोला था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होगा, अब यहाँ से इतना तो बढ़ गया, यहाँ से इतना सा गिरा भी था लेकिन बढ़ा, समझ में।
दिस इज कॉल्ड एक्सट्री और छोटा मोटा टैलेंट। जय जिनेन्द्रा। देखिए आप लोग कोई भी गलती मत करना अगर आज आपको पेमेंट। और दूसरी बात, मैं ये जो 6,000 का ऑप्शन ऑफर दिया हूँ जो वेबिनार के लिए, वो इस सैटरडे तक ही रहेगा, बाद में आपको सबको 12,000 देना है, ठीक है? और उसको कभी भी मैं बंद कर सकता हूँ, बुधवार को भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आपको 6,000 देना तो आप वेट क्यों कर रहे हो भाई? आप मुहूर्त निकाल के दोगे क्या कि 15 मार्च आएगा तभी दूंगा, तब भाड़ में जाओ, ठीक है? उसमें वैसे भी लिमिटेड एंट्री दूंगा, इतनी नहीं दूंगा कि सारी की सारी 6,000 में हो जाएगी, है ना? मौका दिया हूँ सबको। अब कुछ लोग लिख देते हैं मुझे ज्वाइन करना, फिर उसके बाद डिटेल लेके फिर हाँ सर मैं डालूँगा, तो ये मत करिए, मत करिए प्लीज़, ठीक है? और 1 मार्च वाले की जो ग्रुप है उसका 25 तारीख को 13,000 हो गया, अब 28 तारीख को 14,000 हो जाएगा, ठीक है? हर 3 दिन में 1,000 उसका बढ़ेगा, 1 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2025, उसमें यही सारे कॉल जो आपको अभी दिखाया वही मिलते हैं। अब जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी मिल गया। जय जिनेन्द्र, जय बोलेनाथ।